नमस्कार, आप देख रहे हैं जी 10 न्यूज। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश दिवस 2024 के शुभ अवसर पर निराला प्रेक्षागृह उन्नाव में जिला प्रशासन तथा जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। साथ ही विधायक सदर पंकज गुप्ता एवं जिला अधिकारी अपूर्वा दुबे द्वारा दीप प्रज्वलित भी किया गया। प्रदर्शन में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पशु चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, साथ ही ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा कई सारे स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन करते हुए विधायक सदर एवं जिला अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के अंतर्गत विभिन्न लाभकारी योजनाओं में स्वीकृत किए गए कई करोड़ रुपए की धनराशि के सांकेतिक ऋण स्वीकृति चेक भी बांटे गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को सांकेतिक चाबियां द्वारा फॉर्म मशीनरी, बैंक योजना के तहत ट्रैक्टर की चाबी लाभार्थी कृषक को प्रदान भी की गई। आपको बता दें कि सबके अलावा यूपी दिवस के अवसर पर निराला प्रेक्षागृह में सूचना विभाग से पंजीकृत आजाद आला दल के द्वारा सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान विद्यालयों के बच्चों द्वारा सरस्वती नाटक और कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद विधायक ने उपस्थित लोगों को संबोधित कर उन्हें कई सारी बधाइयां दी। इस मौके पर जिला अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर SP सिद्धार्थ शंकर मीणा, CDO ऋषिराज, DDO संजय पांडे, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर नीलम सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी संगीता सिंह, पर्यटन सूचना अधिकारी संतोष कुमार सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण आदि मौजूद रहे। इस मौके पर उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता और जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। प्रदेश के तमाम लोगों के साथ साथ जनपद उन्नाव के समस्त नागरिकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये युग परिवर्तन की वेला चल रही है। हमारे आराध्य प्रभु राम अयोध्या आ चुके हैं, अयोध्या की राजगद्दी पर स्थापित हो चुके हैं। इसलिए राम राज की स्थापना की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना प्रदेश नित्य प्रतिदिन प्रगति कर रहा, उन्नति कर रहा। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में सुधरी है, जिस प्रकार से विकास के कार्य बड़ी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में विश्व में, भारत में उत्तर प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर प्रदेश स्थापित होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जी 10 न्यूज।